जबरदस्त करंट है भाई सब में। दूध को भट्टी पे धर दो तो दूध का उमड़ना निश्चित है और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए तो सरकारों का उलटना भी निश्चित है। दरबार वतन में जब एक दिन मैं जनता के दरबार में हूं, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे, अरे खाक नशीनो उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब दिल्ली में तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाने जाएंगे। पढ़ते भी चलो, चलते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो, चलते भी चलो के अब डेरे लाल किले पे डाले जाएंगे। मैं आज आपसे मुखातिब होने आया हूं। मैंने फिल्म देखी थी हीरो नंबर वन, आपने भी देखी होगी। फिल्म देखी थी पीवी नंबर वन, पुली नंबर वन, अब मोदी जी की फिल्म आ रही है फेंकू नंबर वन। ठोको ठोको काली ठोको। तो सबसे तेज जहीर खान गेंद फेंकता था, ये उससे भी तेज फेंकता है। वो सनी देओल तारीख पे तारीख देता था, ये झूठ पे झूठ बोलता। इससे झूठा प्रधानमंत्री गुजरात की धरती पे पैदा नहीं हुआ होगा। जब मैंने सच बोला तो पटाखे फूट गए। मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव बात है भाई। बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, बरेली चले गए। बहनों भाइयों, मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि झुमका यहीं तो गिरा था। पकड़ लो पूछ के प्रधानमंत्री है देश का नरेंद्र भाई मोदी। शास्त्रों में लिखा हुआ आता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बंदा वो अच्छा जो वचन का पक्का, औरत वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म और हया हो। तो तुम बताओ 365 वादे किए तुमने नरेंद्र मोदी, 365 वादे 2014 में, और तुमने कहा गंगा साफ कर दूंगा, बोलो कर दी। तुमने कहा 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर एक साल, बोलो हो गया, हो गया। तुमने बोला काला धन सारा वापस लेके आऊंगा और गरीब की जेब में 15-15 लाख डालूंगा। क्या आ गया 15 लाख? तो फिर मिला क्या बाबा जी का ठुलू? ठोको ताली ठोको। ना लोकपाल मना, सब झूठ था, कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र भाई मोदी, तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो गया। ये लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। ठोको ठोको ताली ठोको। जब नीरव मोदी भागा, जब विजय माल्या भागा तो कौन सा चौकीदार ड्यूटी पे था बताओ भैया? कौन सा चौकीदार ड्यूटी पे था? अरे काहे का तू चौकीदार है?
में हाहाकार है। नोटबंदी और जीएसटी ले बैठा दुकान को, अरे कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को, 15 लाख का अब भी इंतजार है। काहे का तो चौकीदार है, पूरे देश में हाहाकार। क्या ऐसा आदमी सरकार बनाएगा हिंदुस्तान की? अब की बार मोदी सरकार अगर बोले ना अब की बार, तो कहना बस कर यार, हसलो हसलो पर ताली ठोको। मैं कहता हूं अब की बार बस कर यार, तुम बोलना बस कर यार, अब की बार बस कर यार, अब की बार बस कर यार, अब की बार बस कर यार। पूरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। नरेंद्र भाई मोदी जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। तुम भारत को जातियों में बांट रहे हो, तुम भाई भाई को लड़ाई करवा रहे हो, तुम वोटों की पोलराइजेशन करा रहे हो। मैं कुरान शरीफ को मानता हूं, सिजदा भी करता हूं, मैं मस्जिद में जाता हूं, शीश निभाता हूं, मैं मंदिर में जाता हूं, गीता को भी मानता हूं, अरे मैं गुरुद्वारे में जाता हूं, गुरु साहब को ईमान से मानता हूं। लेकिन हम सियासी लोगों की भी एक किताब है, हिंदुस्तान का संविधान, मैं उसकी भी पूजा करता हूं जाओ। और वो संविधान कहता है कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, जात पात से, रंग भेद से, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड। तुम लोगों को बांट रहे हो, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हो, न मंदिर की बात हो न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, पहले रोटी की बात हो। तुम लोगों को भ्रमित करते हो, लोगों को डराते हो, औरत का सम्मान नहीं रहा इस देश में, किसान की पगड़ी उतार दी, आम आदमी को तुमने बांट दिया, हिंदू मुसलमान जो भाई हैं, जो एक हैं, हिंदुस्तान में सब एक हैं, उनको तुमने अलग अलग कर दिया। आज माहौल यह है कि मोदी आया न्यूज खत्म, मोदी आया व्यापार खत्म, मोदी आया किसान खत्म। अगर अब की बार मोदी आया तो ये देश खत्म हो जाएगा, मेरे भाई देश खत्म हो जाएगा। इसलिए इकट्ठे हो जाओ और राहुल गांधी को लेके आओ, जो इस संविधान को मानता है। मोदी साहब के भक्त सोचते हैं और मानते हैं कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। हसलो हसलो ताली ठोको। वो सोचते हैं 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, भक्तों ने खोद के निकाला। ठोको ठोको ताली ठोको। मोदी साहब ने खोद के निकाला। अरे मोदी साहब, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान रच दिया था। जब तुम गिल्ली डंडा खेलते थे, गोल कैलेंडर गिल्ली डंडा, जब तुम्हारी चट्टी ढीली हो जाती थी, तब चाचा नेहरू ने भाखड़ा डैम बना दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन ला दिया। अरे वाह भैया, जोश बड़ा है। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। ठोको ताली ठोको ठोको ताली ठोको। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो
मोदी साहब, जब आपने चलना सीखा नहीं था, जब आप स्कूल नहीं गए थे तो IIM MIT सब बना लिया था, और जिस दिन आपने पहले दिन निक्कर पहनी थी तो भाभा एटॉमिक सेंटर से अंतरिक्ष में यान भेज दिया था चाचा नेहरू, और तुम हर संस्था को बर्बाद कर रहे हो। CBI को रबर का गुड्डा बना दिया, जुडिशरी को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। एक फौज बची थी और तुम्हारा मुख्यमंत्री कहता है मोदी जी की सेना, तो पकड़ लो पूंछ। मोदी जी की सेना, हद तो हो गई भाई, मोदी जी की सेना। ये सेना किसी की जागीर नहीं है, ये सेना हिंदुस्तान की थी और हिंदुस्तान की रहेगी मेरे भाई, किसी औने पौने की नहीं है। असली मुद्दों पे आओ, रोजगार पे आओ, 2 करोड़ नौकरी पे आओ, किसान की बेहाली पे आओ, GST पे आओ। यदि GST और नोटबंदी इतने ही अच्छे थे तो फिर मुद्दे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे तुम? इस लोग तुम्हें घुसने नहीं देंगे यदि तुम इस मुद्दे पे चुनाव लड़े। तुमने GST लगाया और 5-5, 10-10 लाख लोग सड़कों पे उतरे, तुम्हारा विरोध हुआ और तुम डर के फिर पांव पीछे खींचा। चाय फटने लगी है, तुम्हें लगा चाय फटने लगी है और जनता किसी और से पटने लगी है, इसीलिए GST घटने लगी है। ठोको ताली, घटाई ना GST, ये तुम्हारी ताकत थी कि GST घटाई। चीन समंदर के नीचे रेल बिछा रहा, अमेरिका मंगल ग्रह पे जाके जीवन तलाश रहा, रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है और एक भारतवर्ष है कि चौकीदार बना रहा है, वो भी सारे चोर। ठोको, अंधी के नैनों को खुमार आया, आज गंजों को कंघी का प्यार आया। ठोको, अंधों के बाजार में, साफ सुन लो, अंधों के बाजार में आईने के खरीदार हैं, शहर के सारे चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं। ठोको ताली ठोको जरा, आज इसके पोतने खोल दूंगा मैं प्रधानमंत्री, इसको पता लगेगा कि सच्चा देशभक्त होता क्या है। जो सत्ता पक्ष को सवाल करें वो एंटी नेशनल, और जो इनके साथ इनका गुणगान करे वही हिंदुस्तानी है। वाह वाह मोदी जी वाह, क्या बात है आपकी। आप कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, राफेल में पेट नहीं भरा आपका, जम के खाया और दम से खिलाया कि नहीं खिलाया है। 30,000 करोड़ रुपए अंबानी को जाके फ्रांस में दिलाए, ऑफसेट पार्टनर बनाया, भारत की सरकार को इग्नोर करा के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वो डील कराई, और जहां 126 जहाज खरीदने थे वहां सिर्फ 36 खरीदे। क्यों? क्योंकि 500 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में खरीदा। और तुम कहते हो कि ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा। मोदी साहब आए थे तुम 2014 में गंगा के लाल बन के, और जाओ के 2019 में राफेल के दलाल बन के। ठोको मत रोको बहनों भाइयों, अगर तुम 10 रुपए का पेन लोगे तो उसका पक्का बिल लेना, याद है ना। और जब राफेल के बिल की आती है तो बिल बिला क्यों जाते हो?
अडानी का विकास। और वो दोनों गा रहे हैं, नाच मेरी बुलबुल, अरे नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। ठोको ताली, ठोको ताली। अच्छा इधर भी मुड़ू, वंस मोर, अरे नाच मेरी बुलबुल का, कहां कदरदान अंबानी अडानी। के चौकीदार किसी गरीब के घर के बाहर खड़ा देखा है, चौकीदार घर के बाहर खड़ा देखा है, बाहर खड़ा होता है और वहां गरीब होता है। के चौकीदार हो लोगों के और 99% लोगों का तुम कोई ख्याल नहीं रखते। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा? तुम सिर्फ अमीरों के, तुम्हारा गरीब से कोई सरोकार, झूठे वादे करके तुम सोचते हो 10 लाख का कोट पहनते हो और टोपियां पहनाते हो। ठोको ठोको भाई, तो बंदर बेवकूफ नहीं बनते, टोपियां बेचता था सारी टोपी, बोला बाबा मेरी टोपियां चोरी हो गई। बोला इसका क्या मतलब है यार, तुम्हारी टोपियां चोरी हो गई क्या मतलब है? तुम टोपी पहनना और जोर से पटकना नीचे ऐसे कर, देखना फिर क्या होता है। उसके दादा ने कहा, भागा भागा आया, टोपी पहनी, टोपी पहन के बरगद के नीचे जोर से पटक के मारी और सारे बंदरों ने नीचे मारी ठा करके। फटाफट टोपियां इकट्ठी की और आगे निकल गया। 6 महीने बाद फिर आया, फिर आके वही बरगद पे सो गया। बंदर और टोपियां ज्यादा थी और बंदर सारी टोपियां उठा के ले गए। जैसे ही उठा के लेके गया, उसने कहा इसमें क्या है, टोपी पहनी और जोर से नीचे मारी तो ऊपर से आवाज आई, अबे वो घन चक्कर हमारे बाप दादा नहीं है क्या? ठोको ठोको ताली ठोको है, सबका बेवकूफ बना लिया तू। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इसलिए मैं हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर आदिवासी भाई को ये कहता हूं कि राहुल गांधी ने 3 स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये कहा था कि सभी किसानों का कर्जा माफ करूंगा, सभी किसानों को कर्जा माफी दी जाएगी और 10 दिन में दी जाएगी। 10 दिन तो क्या, 2 घंटे में 50 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ 3 स्टेट में। और यदि कहा है गरीब को 72,000 रुपया 1 साल का मिलेगा, 6,000 रुपया प्रति माह मिलेगा, तो मेरा भरोसा रखना बहनों भाइयों, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी गरीब को इज्जत की रोटी मिलेगी 72,000 रुपया साल में। ये ठीक कह रहे हैं एमपी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहां 15 लाख की बात नहीं हुई, यहां बात इखलाक से, जबान से जो निकली है वो पूरी होगी। तो मोदी साहब आप ये बता दीजिए कि आप देशभक्ति की बातें करते हैं, आज भी अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे लगा हुआ है, बहनों भाइयों मेरे से बड़ा देशभक्ति कोई नहीं, पकड़ लो पूंछ, पता लो पूछ, तुमने जनता का किया क्या है? पेट में कुछ है नहीं और योगा करा रहे हो, योगा ये इधर उधर सांस खींचो, फूं फां, पेट में कुछ है नहीं और फूं फां, पेट को घुमाओ इधर से उधर, इधर से यूं, पेट में कुछ है नहीं और योगा कराए जा रहे हो और जेब में कुछ है नहीं खाते खुलाए जा रहे हो, पेट में कुछ है नहीं योगा कराए जा रहे हो, जेब में कुछ है नहीं खाते खुलाए जा रहे हो,
और खाने को खाना नहीं शौचालय बनाए जा रहे हैं। ठोको ठोको ताली ठोको। वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भागी टके शेर खाजा। हाँ, सब कंपनियां विदेशी हैं और मेक इन इंडिया बनाए जा रहे हैं। पटेल का बुत चाइना से, बुलेट ट्रेन जापान से, राफेल प्लेन फ्रांस से, तो इनसे क्या बनवाओगे? इनसे क्या बनवाओगे? पकौड़े तलवाओगे क्या मोदी जी? ठोको ठोको ताली ठोको। हाँ, पकौड़े तलवाओगे? ना राम मिला ना रोजगार मिला, हर एक गली में मोबाइल चलाता बेरोजगार मिला। कहां है तुम्हारा रोजगार? 10 करोड़ नौकरी देनी थी, मिली 8 लाख। सरकारी कंपनियां खत्म, बीएसएनएल जो सरकारी टेलीफोन की कंपनी है, टेलीकॉम की कंपनी है, 8,000 करोड़ के फायदे में थी साहब, 8,000 करोड़ के फायदे में, आज 900 करोड़ के खाते में है। और प्रधानमंत्री एडवर्टाइजमेंट दे रहा है किसकी? जियो दंदनादन, जियो दंदनादन, जियो दंदनादन, जियो दंदनादन। ठोको ताली। हंसता हुआ नूरानी चेहरा यूं, बहनों भाइयों पकड़ लो पूंछ। कभी सरकारी कंपनी की एड तो की नहीं। अंबानी को 1240 एकड़ जमीन अलॉट कर दी 40 करोड़ रुपए में, 1240 एकड़ जमीन अलॉट कर दी 40 करोड़ में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए। उसने सीमेंट प्लांट तो लगाया नहीं, वो जमीन 40 करोड़ की 5000 करोड़ में बेची, 5000 करोड़। कभी किसी गरीब को जमीन दी है? अरे वाह, आप खड़े हो जाओ मेरा, क्या बात है यार। देखो बुजुर्ग ने शेम शेम बोला, ठोको इनके लिए, ताली ठोको। अरे रुके रहो, रुके रहो, आपके लिए शेर सुनाना है। सुना दूं? इनकी इज्जत बढ़ानी चाहिए, सच्चे आदमी है तो। सुनो साहब, आयु थोड़ी बड़ी लेकिन उत्साह आज भी वही है। अरे नदी थोड़ी सूखी है, पानी का प्रवाह आज भी वही है, वही चमचम, वही कमकम, मनठाट वही है। अरे तलवार पुरानी है पर धार और काट आज भी वही है। अरे क्या बात है, ऐसे हाथ हिलाया जैसे सेंचुरी बना दी तेंदुलकर के बाद आप ही हो। ठोको ठोको ताली ठोको इनके लिए। मैं क्या कह रहा था हजूरे वाला, 5000 करो, बिल्कुल ठीक यार, इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूं। तुम गए रूस और वहां जाके $6 बिलियन आके बहस कर लो मेरे साथ मोदी साहब। कभी एनटीपीसी, भेल, सेल, ये सरकारी कंपनियां जो तुमने बर्बाद की थी, कभी उनके लिए रूस गए हो? रूस जाके $6 बिलियन 4,20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया अंबानी साहब को, इनसे क्या नाता है तुम्हारा? क्या नाता, क्या सुमड़ी में गुमड़ी है, क्या अंदर की लक्ष्मी बात है, है? ये वही बात है, ये इसकी बात है, 10% सेवा और 90% मेवा। ठोको ताली ठोको। हर सरकारी कंपनी को डुबो दिया, अंबानियों से डीलें कर ली। आज ये देश सारा जब ये बातें जानेगा तो इनको देशद्रोही कहेगा, क्योंकि जो सरकार के खजाने को, गरीबों के पेट को काट के मुनाफा 1% पूंजीपतियों को देता है तो वो देशद्रोही है। वो है, उड़ाना था राफेल का जहाज,
और उड़ा दी फाइल, फाइल जो राफेल की फाइल को महफूज नहीं रख सकते हाथ, वो हिंदुस्तान को क्या महफूज रखेंगे भाई। और मुद्दों से भटकाते हो, मुद्दों से भटकाते हो, बात करो ना बेरोजगारी की, बात करो काले धन की, बात करो इन मुद्दों की, तुम कहां बात करते हो। सुना है सरहद पे तनाव है, अरे जरा पता तो करो क्या चुनाव है। बात वहां की करते हो तुम, नहीं नहीं कोई ना कोई बात करते हो तुम, जो तुम्हें सत्ता पक्ष को सवाल करे उसे एंटी नेशनल बनाते हो तुम, एंटी नेशनल। ये सिद्धू बताएगा तुम्हें सिद्धू है कौन। स्वतंत्रता सेनानी का बेटा है नवजोत सिंह सिद्धू मोदी साहब, नाम सरदार भगवंत सिंह सिद्धू, रजवाड़ों के घर से, लेकिन जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो रजवाड़ों ने बोला कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हारी आवाज उठी तो तुम राजाओं का नमक नहीं खा सकते, तो छोड़े राजे। और लड़ाई लड़ी कीर्ति गदर पार्टी की तरफ से, लाहौर में लाल किला अखबार निकालते थे अंग्रेजों के खिलाफ, सवेरे 4:30 गोरों ने पकड़ा, वो तो गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज हैं, आज काले अंग्रेज हैं बांटने वाले, बांटने वाले भाई भाई को लड़ाने वाले, 4:30 पकड़ा और सजाए मौत सुनाई मजिस्ट्रेट के पास ले जाके मेरे पिता को, 15 लोग गोली मारेंगे। जेल में मोदी साहब रखते थे मेरे पिता को, जूड़ा बांध के पंखे के साथ टांग देते थे, 3-3 दिन सोने नहीं देते थे, जब नींद आती थी तो बाल खींचते थे, नाखून उखाड़ के नमक छिड़कते थे, कुंह के पोतले मुंह पे डालते थे, बर्फ की सिल्लियों पे लेटाते थे, उस तक नहीं की। और फिर जब 3 दिन रह गए तो रानी का जन्मदिन था, इंग्लैंड की रानी का, किंग्स एमनेस्टी हुई और पर्चियां डाल के 5 कैदी छोड़े गए किंग्स एमनेस्टी, उसमें मेरे पिता भगवंत सिंह सिद्धू को छोड़ा गया। वापस आ गए 1957 में, पहली बार कांग्रेस की तरफ एमएलए बने। सिद्धू तो पैदा ही कांग्रेस में हुआ था, पैदा ही कांग्रेस में हुआ था, एमएलए बने तो उनका दोस्त था, सुनो मोदी साहब तुम्हें सुना रहा हूं, उनका दोस्त था नंद कुमार, उसने कहा भगवंत सिंह ये क्या नाटक रखा है यार देशभक्ति का, 4 पैसे कमा कारखाने लगा। तो मेरे पिता ने उसे खत लिखा कि बात तो तेरी ठीक है मित्र, मैं पैसे बहुत कमा लेता पर पेड़ों से ही छाया होती समय सबको गिरा देता, कितने ही धनी हो चले गए कौन किसी का नाम लेता, कैसे बनती मेरे गुरु की वाणी अगर बाबा नानक हट्टी लगा देता, अगर बाबा नानक हट्टी लगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोई खोदरा कराने वाला भगवंत सिंह सिद्धू के बेटे को नेशनलिटी नहीं सिखाएगा। नहीं सिखाएगा कोई बांटने वाला एक जोड़ने वाले आदमी को राष्ट्रभक्ति नहीं सिखाएगा। तुम्हारी राष्ट्रभक्ति देख ली, तुम चेले हो अंबानी और अडानी के। पूंजीपतियों के 17 लाख करोड़ माफ कर रही है और कांग्रेस 72,000 करोड़ किसान का माफ कर रही है, गरीब का 1,000 रुपए 1 साल के देने का वायदा ये कांग्रेस ने किया है नरेंद्र भाई मोदी। इसलिए मैं तुम्हें यही कहता हूं और आज पोतरे खोल के जाऊंगा मैं प्रधानमंत्री। नोटबंदी हुई तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, 93% इकोनॉमी आर्थिक व्यवस्था हिंदुस्तान की गरीबों की है, 93% खुले पैसों पे चलती है, आम पैसों पे चलती है, क्या वो इनकम टैक्स देता है? जो किसान टमाटर बेचने बाजार में जाता है क्या वो इनकम टैक्स देता है? जो गृहिणी अपने घर वाले से छुप छुप के बस आधी रात के लिए 5,000 रुपया जोड़ती है क्या वो इनकम टैक्स देती है? क्या वो चोर है?
हैं? क्या वो चोर है जो गरीब रोज के 300 कमाता है चाय वाले की दुकान पे, ऐसी दुकान पे? क्या वो चोर है? तुमने उन लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, किसी अंबानी अडानी को लाइन में खड़ा देखा तुमने? कोई मरा बड़ा अमीर लाइन में खड़ा हो गए मरा कोई? लेकिन गरीब मरा, 300 गरीब मरे, 5,000 गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए नहीं निकलवा सका, तुमने 2,000 करोड़ में बेटियों की शादी की। ये इंसाफ है तुम्हारा? ये राष्ट्रभक्ति है तुम्हारी? और बताता हूं मोदी साहब, तुमने काला धन सफेद तो क्या करना था, तुमने काला धन गुलाबी कर दिया। गुलाबी मैंने सुना था काल गुलाबी होते हैं, तुमने नोट गुलाबी कर दिया। ठोको ताली ठोको, नोट गुलाबी कर दिया। लोग जितनी बड़ी बड़ी इकॉनॉमीज है, उन इकॉनॉमीज में इंग्लैंड ने 5,000 पाउंड बंद कर दिया, 1,000 पाउंड बंद कर दिया, 500 पाउंड बंद कर दिया और 50 पाउंड चालू किया जब डिमोनेटाइजेशन हुई। अमेरिका ने $5,000 बंद किए, $1,000 बंद किए और $100 का नोट शुरू किया, याद है? इंदिरा जी ने ₹10,000 बंद किए, ₹5,000 बंद किए और 100, 200, 500 का नोट लाए। मोदी साहब तुमने उल्टी गंगा बहा दी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तुमने ऐसी उल्टी गंगा बहाई कि 500 का नोट बंद किया, 1,000 का नोट बंद किया और 2,000 का गुलाबी चला दिया। वाह, छोटा तो क्या कर रहा था, बड़ा कर दिया। और मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि लाखों करोड़ रुपए तुमने अपनी पार्टी के लिए जमा नहीं करवाए? मैं बताता हूं राजकोट में, अहमदाबाद में जिनके चेयरमैन अमित शाह जी हैं, उन कोऑपरेटिव बैंकों में 700 करोड़ जमा हुआ। जयंती भाई मिनिस्टर जिसके चेयरमैन वो है, 650 करोड़ वहां जमा हुआ। मुंडे साहब की बेटी, उनके बैंक में 700 करोड़ रुपए जमा करा, 22,000 करोड़ रुपए अकेला गुजरात में बदली किया गया। वो कहां से आया? और अगर जमा होना था बहनों भाइयों, तो 1 घंटे में 12,000 लोग लाइन में खड़े होकर 2.5 लाख जमा कराते ना, तो वो जमा होता। अरे मोदी साहब कोऑपरेटिव बैंक में 12 लोग 2.5 लाख 1 घंटे में जमा करा रहे, तो मैं तुम्हारी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। जाओ, तुमने वो सारा काला धन गुलाबी कर दिया। तुमने कहा 15 लाख लाऊंगा और तुम समझते हो कि काला धन किसी की कार की डिग्गी में है, किसी के मंजे के नीचे छुपा रखा है? गलत हो मोदी साहब, वो काला धन सोने चांदी के रूप में विदेशों में पड़ा है, वो काला धन प्रॉपर्टी के रूप में विदेशों में पड़ा है, वो काला धन यूरो डॉलर और पाउंड के रूप में विदेशों में पड़ा है और वो तगड़ा कर रहा है यूरो को डॉलर को और पाउंड को, और रुपया गिरता जा रहा है, भारत की अस्मिता गिरती जा रही है, भारत नीचे आता चला जा रहा है। मैं कहता हूं कि डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम था, सबसे बड़ी चोरी थी। बिल्कुल सही है। इसलिए गली मोहल्ले में जाके चाल में खड़े होकर बोलो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार 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 चोर है और टिका के चोर है। आज ये पैसे ना तो आतंकवाद को नीचे ला सके, और राजनीति ये लोग कर रहे हैं सीमाओं पे खड़े होके, लाशों की राजनीति कर रहे हैं। पहले जब आतंकी हमले होते थे तो इस्तीफे मांगे जाते थे साहब, शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया, विलासराव देशमुख ने इस्तीफा दिया। अब जब आतंकी हमले होते हैं तो वोट मांगे जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं। धिक्कार है मोदी साहब, कोई जवान शहीद हुआ हो उसके घर पे गए हो तो बताओ? अरे तुम तो प्रेस से बात नहीं करते, अब तो हो नहीं होती है प्रेस से बात, अब तो होती है मन की बात। पकड़ लो पूछ, वो भी अडानी और अंबानी के मन की बात। ये मैं आज आपको ये आखिरी कहानी सुना के विनती करके जाऊंगा। एक गरीब किसान